हेलो गाइस, नमस्ते। शांति किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज टिक्की। अक्सर होता है बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, खासकर लौकी। तो चलिए गाइस, अब हम इसमें बताते हैं क्या क्या सामग्री डलेगी। एक प्याज जो कि हमने चॉप करके लिया है, लौकी कद्दूकस करके हमने इसका पानी निचोड़ कर निकाल दिया है, एक बड़ा आलू धो के छील के कद्दूकस करके हमने इसे कई बार पानी में धोकर निकाल लिया है, आधा कटोरी बेसन, आधा कटोरी सूजी, चॉप की हुई मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और मसालों में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा जीरा। चलिए गाइस, हम डो बनाना स्टार्ट करते हैं। लौकी, आलू, प्याज, अच्छे से मिक्स कर दें। सूजी, बेसन, अदरक गार्लिक का पेस्ट और हरी मिर्च और ये सारे मसाले सब इसमें डाल दें। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करें, पानी ना डालें। सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं, इनमें मॉइस्चर होता है। अगर बेसन और सूजी कम लगे तो और डाल लें। इसे दबा दबा के अच्छे से मिक्स करें। देखिए गाइस, हमारा डो बनकर रेडी है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। दोनों हाथों से दबाते हुए अच्छे से टिक्कियां बना लें। ऐसे ही सारे डो की टिक्कियां बना लें। देखिए गाइस, हमारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हैं। अब हम इन्हें सेल्फ फ्राई करते हैं। तो चलिए हम इन्हें फ्राई करते हैं। देखिए गाइस, हमारा पैन गरम हो गया है। हमने इसमें सरसों कच्ची घानी का तेल डाला है। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड या घी भी डाल सकते हैं। गाइस, टिक्कियाँ फ्राई करने से पहले सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लें। गाइस, हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें धुआं निकलने लगा है। अब गैस हम धीमी कर देंगे। धीमी करने के बाद हम इसमें टिक्कियां डालेंगे। इन्हें धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई करें। देखिए गाइस, हमारी टिक्कियां एक साइड से सिक गई हैं। अब इन्हें पलट दें।
देखिए गाइस हमारी टिक्कियों का कितना अच्छा कलर आया है। आप भी इन्हें ऐसे ही धीमी आंच पर सेकें, तेज आंच पर सेकेंगे तो ये जल जाएंगी और अंदर तक नहीं सिकेंगी। देखिए गाइस हमारी टिक्कियाँ अच्छे से सिक गई हैं, अंदर तक क्रिस्पी हो गई हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे। अब हम बाकी बची हुई टिक्कियाँ भी तल लेते हैं। गाइस ये बहुत कम तेल में बन जाती हैं, देखिए। गाइस हमारी टिक्की बनकर रेडी हैं, तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। तो चलिए गाइस सर्व करते हैं फेंटा हुआ दही। ग्रीन चिली सॉस, मीठी सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला। तो देखिए गाइस हमारी टिक्की बनकर रेडी हैं। आप भी ऐसे ही बनाएं, खाएं और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।